हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आसफिक्सिया नियोनेट्रम। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि आसफिक्सिया नियोनेट्रम क्या क्या होता है। तो न्यूबॉर्न में बर्थ के बाद में कंप्लीटली पल्मोनरी रेस्पिरेशन का स्थापित नहीं होना आसफिक्सिया नियोनेट्रम कहलाता है। मतलब WHO ने क्या बताया है इसको कि फेलियर टू इनिशिएट एंड सस्टेन ब्रीथिंग एट बर्थ। ठीक है, तो इसकी एक और डेफिनेशन जैसे कि बर्थ बर्थ के टाइम पे एक मिनट के अंदर अंदर स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन का की शुरुआत नहीं कर पाना बेबी का। ठीक है, तो बर्थ के एक मिनट के अंदर अंदर जो रेस्पिरेशन है वो शुरू नहीं हो पाना आसफिक्सिया नियोनेट्रम कहलाता है। इसका मेनली जो इन्फेंट बर्थ में जो सिक्स जो मेनली क्या होता है बर्थ के बाद में जो इन्फेंट है वो सिक्स सेकेंड के अंदर अंदर ब्रीथ लेना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसकी इंसिडेंस रेट इसकी 5 to 10% है नॉर्मल न्यू बॉर्न में। ठीक है, तो बस आसफिक्सिया 5 to 10% पाया जा सकता है नॉर्मल न्यू बॉर्न में। कॉजेस क्या क्या होते हैं? कॉजेस में इसके ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड मेटरनल कॉजेस हो सकते हैं। ठीक है, मेटरनल कॉजेस में जैसे कि अब्रप्शियो प्लेसेंटा। ठीक है, अब्रप्शियो प्लेसेंटा अगर हो या फिर एब्नॉर्मल प्लेसेंटा जैसे स्मॉल प्लेसेंटा या फिर सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा हो। ठीक है, या फिर प्री एक्लेम्सिया हो या फिर ऑब्स्टेट्रिकल शॉक हो, हाइपरटेंशन हो या एक्सेसिव ड्रग इंटेक हो। ठीक है, मॉर्फिन पैथेडीन एनेस्थीसिया ये सब एक्सेसिव इंटेक हो तो इनकी वजह से ये कंडीशन हो सकती है। सेकंड फीटल कॉजेस, तो फीटल कॉजेस में प्रीटर्म लेबर। ठीक है, और इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, या फिर मेकोनियम आस्पिरेशन सिंड्रोम। ठीक है, या फिर सीवीएस या रेस्पिरेटरी सिस्टम की कंजेनाइटल एनोमलीज के कारण ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया एंटीनेटल पीरियड और ड्यूरिंग डिलीवरी। तो ड्यूरिंग लेबर क्या क्या हो सकता है? प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा हो सकता है, कोर्ड कंप्रेशन हो सकता है, वास्कुलर एनोमलीज ऑफ अम्बिलिकल कोर्ड हो सकता है, मैटरनल हाइपोक्सिया हो सकता है, प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इन माल प्रेजेंटेशन एंड कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। और आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ में क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के द्वारा बर्थ इंजरी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स में लो अपगार स्कोर का होना या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होना। ठीक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होना और ब्रेडिकार्डिया होना या हाइपोक्सिया होना। हाइपोक्सिया क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि हाइपरटेंशन या पल्मोनरी हेमरेज के कारण हाइपोक्सिया हो सकता है। ठीक है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, ब्रेडिकार्डिया के कारण डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होना या फिर हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिक इस्केमिक एंड सेफेलोपैथी। ठीक है, या फिर सेरिब्रल हेमरेज। ठीक है, या फिर ब्लड मैरो डिप्रेस होना ड्यू टू हाइपोक्सिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा, अगर बोन मैरो डिप्रेशन होगा तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा। ठीक है, और लीवर होगा तो लीवर राइज लीवर एंजाइम हो सकते हैं, डिक्रीज ग्लाइकोजन स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है या फिर डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर, क्लोटिंग फैक्टर की डिक्रीज सिंथेसिस भी हो सकती है। तो ये सब क्लिनिकल फीचर्स हमको दिखाई देंगे। ठीक है, या और अपगार स्कोर भी हम इसमें देखते हैं, तो अपगार स्कोरिंग की जो रेटिंग है वो भी इसमें डिक्रीज होगी। ठीक है, उसके बाद में मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले प्रिवेंटिव मैनेजमेंट। तो प्रिवेंटिव मैनेजमेंट में एंटीनेटल पीरियड में हाई रिस्क पेशेंट का अर्ली डिटेक्शन करना। ठीक है, तो हाई रिस्क पेशेंट है उनका अर्ली डिटेक्शन करना एंटीनेटल पीरियड के दौरान, और फीटल डिस्ट्रेस के लिए फीटल और मदर की कंटिन्यू मॉनिटरिंग करना, और सेडेटिव और एनाल्जेसिक या सेडेटिव एनेस्थीसिया उसका केयरफुली एडमिनिस्ट्रेशन करना। ठीक है,
साल में एक्चुअल मैनेजमेंट में न्यूबॉर्न की कार्डियक पल्मोनरी स्टेटस को अपकार स्कोर के से देखा जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसमें 3 स्टेप होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। तो फर्स्ट स्टेप में माइल्ड एस्फिक्सिया हो, ठीक है, और स्टेप 2 में मॉडरेट एस्फिक्सिया एंड स्टेप 3 में सीवियर एस्फिक्सिया। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेप 1 माइल्ड एस्फिक्सिया। तो माइल्ड एस्फिक्सिया में क्या मैनेजमेंट करेंगे, तो डिलीवरी प्रोसेस को ज़्यादा जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे, डिलीवरी प्रोसेस को बढ़ा देंगे और कोर्ड को तुरंत कट करके बेबी को मदर से अलग कर देंगे और बेबी को सुपाइन पोजीशन में लेटाकर उसके ड्राई टॉवल से उसको क्लीन करेंगे और बेबी को ओरोफेरिंक्स नोस्ट्रियल की म्यूकस है उसको सकर के द्वारा सक्शनिंग करेंगे और बेबी के बैक और सोल पर जेंटली रब करेंगे, ठीक है, जिससे कि और उसके बाद बेबी को रेडिएंट वार्मर में रखेंगे, ठीक है। ये हो गया माइल्ड एस्फिक्सिया का ट्रीटमेंट। उसके बाद में मॉडरेट स्टेप 2 मॉडरेट एस्फिक्सिया। तो इसमें क्या करेंगे, एयरवे को क्लीन करेंगे, ठीक है, और बेबी की नेक को एक्सटेंड करना है, ठीक है, बेबी की नेक को एक्सटेंड करना है और एम2 बैग के द्वारा वेंटिलेशन अलर्ट करना है, ठीक है, वेंटिलेशन स्टार्ट करना है एम2 बैग से और अगर आवश्यकता है तो एम2 बैग को ऑक्सीजन सिलेंडर से कनेक्ट करके ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। उसके बाद में स्टेज 3 सीवियर एस्फिक्सिया। इसमें क्या करेंगे, लेरिंगोस्कोप की हेल्प से एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट करेंगे, ठीक है, और वेंटिलेटर से ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे बेबी का, ठीक है। और उसके बाद में ड्रग्स क्या क्या देंगे, तो सोडियम बाइकार्बोनेट 1 mEq पर kg 5% डेक्सट्रोज में एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। एसिडोसिस होने पर ग्लूकोज एल्कलाइन देंगे 5 ml एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, और प्रोफाइलेक्सिक एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है, इंजेक्शन एम्पीसिलिन दे सकते हैं। और अदर मैनेजमेंट में स्टर्नम को के लोअर पार्ट को 2 फिंगर से प्रेस करके एक्सटर्नल कार्डिक मसाज दे सकते हैं, ठीक है, और माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके कॉम्प्लिकेशन, तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं, कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन होंगे, इसमें हाइपोटेंशन, कार्डियक फेलियर या शॉक हो सकता है, ठीक है, रीनल सिस्टम से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, एक्यूट नेक्रोसिस ऑफ रीनल कॉर्टेक्स हो सकता है या फिर रीनल फेलियर भी हो सकता है, ठीक है, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम से रिलेटेड तो अल्सर हो सकता है, एंटेरोकोलाइटिस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में लंग्स एंटर एटेलेक्टेसिस, तो लंग्स एंटर एटेलेक्टेसिस हो सकता है, ठीक है, और उसके बाद में सेरिब्रल नर्वस सिस्टम, तो सेरिब्रल नर्वस सिस्टम में सेरिब्रल इडिमा हो सकता है, ठीक है, सीजर्स आ सकते हैं और फिजिकल मेंटली रिटार्डेशन हो सकता है बेबी या फिर बेबी की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमने देख ली इसकी कॉम्प्लिकेशन, तो हमने पढ़ लिया न्यूनेटल एस्फिक्सिया, ठीक है। इसकी डेफिनेशन, इंसिडेंस, कॉज, क्लिनिकल फीचर मैंने